नमस्कार दोस्तों, हरिओम स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में उदाहरण चार का हल करेंगे। निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। अक्षों पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक लीजिए। देखिए यहाँ कार्तीय तल बना लिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक लीजिए, यानी 1 एकक बराबर 1 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। अब देखिए देखिए संख्या युग्मों को, यानी युग मतलब जोड़ा, यहाँ दिया हुआ संख्या देखिए, ये -3 और 7, इसको देखिए निर्देशांक तल यानी कार्तीय तल पर प्रदर्शित करना है। चलिए इसको प्रदर्शित करते हैं, यानी कार्तीय तल में दिखाना है। देखिए x बराबर है -3 और y बराबर 7, यानी x निर्देशांक है -3। देखिए ये इसका सीध में जाएगा, ठीक है। और देखिए y बराबर है, यानी y का निर्देशांक 7 है, ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका सीध में ये यहाँ हो जाएगा, यानी x निर्देशांक -3 और y निर्देशांक 7, ठीक है। अब देखिए इसमें कहता है, देखिए x बराबर 0 और y बराबर -3.5। तो देखिए x बराबर 0 और y बराबर 3.5, यानी 3.5 यहाँ पर लेना, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए x निर्देशांक है 0 और y निर्देशांक 3.5, ठीक है, ये माइनस में होगा, ठीक है। अब देखिए -1 और -3, यानी x निर्देशांक -1 और y निर्देशांक -3, तो ये देखिए तीसरा चतुर्थांश में होगा -1 और -3। तो देखिए इसका सीध में ये यहाँ पर होगा, यहाँ देखिए 3 और ये 1, तो x निर्देशांक हो गया -1 और y निर्देशांक -3, ठीक है। अब देखिए x बराबर 4 और y बराबर भी 4 है, ठीक है। देखिए तो देखिए ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, x बराबर 4 और y बराबर भी 4 है, तो देखिए इसका सीध में ये यहाँ पर होगा, ठीक है। देखिए इधर से भी ये 4 और ये 4, यानी x निर्देशांक 4 और y निर्देशांक भी 4, ठीक है। यह है कार्तीय तल, कार्तीय तल में बोला बिंदुओं के रूप में, देखिए यानी बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए, ठीक है। अब देखिए x बराबर 2 और y बराबर -3 है, तो देखिए ये देखिए चौथा चतुर्थांश में होगा, x देखिए प्लस में और y माइनस में, तो देखिए इसका सीध में ये देखिए और ये y बराबर 3, यानी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 3 और x 2, ये 2 और ये -3, ठीक है। इस प्रकार ये निरूपित हो जाता है, ठीक है। ठीक है, वीडियो अंत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें,